नमस्कार पशुपालक भाइयों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पशुपालन हेल्पलाइन में। भाइयों, जैसे कि आपको साइड स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आज का हमारा टॉपिक रहेगा लेवे बनाने के ऊपर। आपको पता है अच्छी गादी, अच्छी लेउटी होना पशु के लिए कितना ज़रूरी है। अगर हम पशु को खरीद बेच के लिए रख रहे हैं तो भी लेउटी के ऊपर निगाह जाती है सबसे पहले। अगर मान लो दूध की बात आ जाए तो भी ये कहते हैं कि भाई जिस पशु का लेवा अच्छा है उसका दूध अच्छा होगा या दूध ज़्यादा देगा। तो इन सभी बातों पर आज हम बात करेंगे साथियों। सबसे पहले आपको बताएं कि गाय की नस्ल एक ऐसी नस्ल होती हैं जिनके अंदर लेवे को देखना बड़ा इंपॉर्टेंट माना गया है। हमारे व्यापारी भाइयों का भी, हमारे पशुपालक भाइयों का भी, वो कहते हैं कि गाय की लेवटा अच्छा है या लवान अच्छा है गाय का, तो गाय के रेट भी अच्छे लगते हैं, उसकी दूध की क्वालिटी को वहीं से मापते हैं। सेम बात भैंस के अंदर है, जिस भैंस का लेवा अच्छा है उसके पैसे भी अच्छे लगते हैं और वो सुंदर भी देखने में लगती है। एक्चुअली मैं मान के चलो जो भैंस पीछे से चौड़ी और आगे की तरफ भीड़ी होती जाती है उस भैंस को ज़्यादा दूध वाली माना जाता है। तो आइए बात हम करते हैं इस पे कि कैसे लेवे को बढ़ाया जाए। सबसे पहले हमें ये देखना है साथियों कि हम अपने पशु का रख रखाव जो कर रहे हैं उसके अंदर दाना मिश्रण जो उसको दे रहे हैं उसके अंदर विटामिन हम पशु को कितना दे रहे हैं। अगर मान लो पशु लास्ट टाइम का प्रेगनेंसी में है, मान लो लास्ट क्वार्टर है उसका, सेवन्थ महीने से ऊपर का, सेवन्थ एट्थ और नाइन्थ का जो महीना है, टेन वाला, उसके बीच में हमें अपने पशु को मल्टीविटामिन ज़रूर देने हैं। उसमें बात करें तो हम अलग अलग कंपनियों के अलग अलग हैं। जैसे मान लो मैनकाइंड का मल्टी स्टार है, इंटास का है, इंटाविटा एनएच, कैरस कंपनी का भी अच्छा प्रोडक्ट है जिसका नाम अच्छा है। और इसी में बात करें हम, हमारा एक जो पुराना ब्रांड है बुजुर्गों के टाइम से चलता आ रहा है जिसको बोलते हैं वाइटम एच। कैसे पशु को देना है, क्यों ज़रूरी है, सब बातें यही करने वाले हैं हम। तो ये जो चीज़ें आपको बताई, जो आपको ये बोतल दिखाई हमने साइड स्क्रीन पे, ये हम आमतौर पे देखते हैं कि हर घर में दीवार के ऊपर रखी हुई होती हैं। एक्चुअली में होता क्या है साथियों, ये अपने पशु को पर डे 20 ml से ज़्यादा नहीं देनी होती। और 20 ml भी क्वालिटी के ऊपर देखते हैं हम, किस कंपनी ने इसके अंदर विटामिन ए अच्छा डाला है या बायोटीन की मात्रा है जो है विटामिन एच बोलते हैं जिसको, ये सारे विटामिन वसा में घुल जाते हैं अंदर जाके, तो हम पशु को ज़्यादा भी नहीं दे सकते इसको। ये इसकी सब इसकी डेंसिटी को देखते हुए हम अपने पशु को देते हैं साथियों। इसी के बीच में हम बात करें थोड़ा सा देसी रख रखाव जो होता है पशु का। पशु को मान लो लास्ट में बहने वाला है पशु, उस टाइम पे हलवा दिया जाता है, बहुत से लोग देसी घी देते हैं। एक्चुअली में क्या, पशु के शरीर में चिकनास बनानी होती है साथियों। जिस पशु की स्किन रफ़ एंड टफ हो जाएगी, मान के चलो उसका लवान भी अच्छा नहीं हो पाएगा। जिस पशु में विटामिन टाइम टू टाइम हम देते रहे हैं खाने के अंदर, चारा हमने अच्छा दिया है, तो ये तो बातें हैं सारी टेक्निकल बातें कि विटामिन का क्या रोल है और कैसे हमने पशु का रख रखाव रखना है। सबसे पहले बात ये है कि साथियों, जब पशु ब्याह गया और पहले ब्याह का मीन्स फर्स्ट लैक्टेशन का जो पशु ब्याह गया, दूध नहीं बना पाया, लवान उसका अच्छा नहीं बना, लेवा उसका अच्छा नहीं बना, उस कंडीशन में हमें क्या करना है, पहले तो ये देखना है कहीं हमारा पशु स्ट्रेस में तो नहीं है। अगर स्ट्रेस में है तो उसको एंटी स्ट्रेस प्रॉपर्टीज़ हमें देनी पड़ेंगी, ठीक है। और दूध का लवान के अंदर दूध का प्रेशर बनाना है हमें, दूध उसके अंदर क्रिएट करना है, तभी तो लेवा बनेगा ना। आप ये मान के चलो अगर पशु के अंदर कैल्शियम फास्फोरस की कमी है, दूध पशु के अंदर पूरा है नहीं और उसके बीच में हम लेवा चाह रहे हैं पशु से, तो कैसे होगा। जिस पशु को दूध होगा उसी का तो लेवा बनेगा ना। जैसे आपको ये साइड स्क्रीन पे गायें दिखाई दे रही हैं, इन गायों के अंदर क्या है, ये रेगुलर शेड्यूल में चलती हैं। आपको बताऊँ, गंगानगर के पास में एक डायरी है, उस डायरी के अंदर ये गायें रखी हुई हैं, 7-8 गायें हैं, सभी गायें 30 से 35 लीटर से ऊपर हैं। हम बात की हुई है हमने, देखते हैं अगर उनसे बात हमारी हो जाती है तो नेक्स्ट संडे तक आपको बात कराएंगे जो ओनर है डेयरी के, वो क्या पशु को रख रखाव करते हैं, क्या पशुओं को खिलाते हैं अपने पशुओं को, सारी बातें आपको बताएंगे। जब पहले आपको मैं दिखा देता हूँ कि एक गाय से 35-40 लीटर दूध लेना भी आम बात है। वो लेने का कारण क्या है कि आप ये देखो, ये ऐसा नहीं है कि अकेला हरा चारा दे दिया, खड़चूरी दे दी, उससे नहीं, पशु में टाइम टू टाइम मिनरल मिक्सचर भी पशु को मिलना चाहिए। पशु के अंदर मान लो फीड का भी पशु को खिलाना चाहिए, क्योंकि उसको विटामिन्स की और मिनरल्स की कमी हो जाती है पशु के अंदर। मान लो किसी टाइम पे हरा चारा अवेलेबल नहीं है, सूखे चारे पे पशु चल रहा है, तो उस कंडीशन में हरे चारे की पूर्ति करने वाला साइलेज भी ये पशुओं को खिलाते हैं। अच्छी अच्छी अपने पशुओं को डाइट देते हैं, रख रखाव है, दूध निकालने का टाइम फिक्स है इनका, सारा रख रखाव है। तो अगर आप हमें कमेंट करके बताते हैं तो आपको नेक्स्ट संडे तक हो सके तो हम डेयरी फार्मर से बात करवाएंगे आपकी, कि
कि क्या पशुओं को ये खिलाते हैं, कैसे अपने पशुओं का रखरखाव करते हैं साथियों। बाकी अगर हमारे जो भाई दूर दराज बैठे हैं और वो ज़्यादा डॉक्टरों की फैसिलिटी उनके पास नहीं है, अच्छी नस्ल के पशु उन्होंने अपने घर पे पाले हुए हैं, उन पशुओं को आप जैसे ही पशु का बहने से 2 महीने का टाइम रह गया उस टाइम पे 20 ml की डोज में अपने पशु को आप रेगुलर ये जो मल्टीविटामिन्स की बोतलें आती हैं सिल्वर बोतल के अंदर, ये 20 ml रोटी चौपड़ के अपने पशु को दे सकते हैं, 10-10 ml दोनों टाइम दे सकते हैं, या मान के चलो एक टाइम पे 20 ml दे सकते हैं। जैसे ही पशु ब्या गया, दूध पे आ गया, दूध कम नहीं है, मान लो उसका पूरा अवेलेबल जितना दूध होना चाहिए उसके लेवटी के हिसाब से उतना दूध पशु नहीं दे पा रहा, तो पहले आप अपने पशु को जो ये साइड स्क्रीन पे आपको पाउडर बताए गए हैं, जैसे इन पाउडरों के अंदर फास्फोरस, कैल्शियम और विटामिन D3 होती है अच्छी मात्रा में, जिस मान लो प्रोडक्ट के अंदर ये तीनों चीज़ें हैं, वो अपने पशुओं को 20-20, 30-30, 50-50 ग्राम अलग अलग कंपनी के प्रोडक्ट की अलग अलग डोज होती है, उस हिसाब से अपने पशुओं को खिलाएं, आप देखेंगे कि अच्छा रिजल्ट मिल रहा है आपको। और बाद में रही बात की, बाद में कई एक भ्रांति है लोगों के अंदर कि पशु ब्या गया अब मेरे पशु को विटामिन्स की ज़रूरत नहीं है। भाइयों, जब तक 1-1.5 महीने का पशु नहीं हो जाता, ज़्यादा बात ना करें तो कम से कम 21 से लेकर और 28 दिन तक बहने के बाद भी पशु को ये मल्टीविटामिन्स की बोतलें आपको रेगुलर यूज़ में रखनी है। मान के चलो कि एक पशु में 700 से 800 ml तक गाय में ये देनी होती है हमें बोतल, और बात करें हम भैंस के अंदर तो 1 लीटर तक की बोतल आती है, जो 1 लीटर अपने पशु को ये आप मल्टीविटामिन से ये पिलाएं, आप देखेंगे कि अच्छा रिजल्ट मिल रहा है आपको, गादी इम्प्रूव हो रही है पशु की, पशु के अंदर दूध बन रहा है, साथ में हमने मिनरल मिक्सचर भी रखा, साथ में हम उसको संतुलित आहार भी दे रहे हैं, साथ में हमने पशु का रखरखाव भी अच्छा रखा है, इस बात का भी ध्यान रखा है कि इस टाइम पे हमारे पशु का मान लो कैल्शियम तो नहीं तोड़ गया, फास्फोरस की तो कमी नहीं है, विटामिन्स की। अगर हम इन छोटी छोटी बातों को कलेक्ट करके और एक अच्छे बिल्डअप करेंगे अपने डेयरी फार्म को, तो आप देखेंगे रिजल्ट आपको अच्छे मिलते आएंगे। भाइयों, आपको अगर वीडियो अच्छी लगती हैं और आपको अगर ये आगे जो मैंने आपको बात बताई, सूचना दी है कि हम संडे के लिए बात कर रहे हैं लाइव आने के लिए, अगर आपको कुछ ये लगता है तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में बता दें, हम उस हिसाब से टाइम निकाल के आपके लिए ज़रूर डेयरी फार्मर से रिक्वेस्ट की हमने कि आप आएँ और हमारे भाइयों को बताएं, जो पशुपालक भाई हैं जो जिन्होंने नया डेयरी फार्म का काम किया है, उनको आप क्या खिलाते हैं अपनी गायों को, कैसे अपनी गायों का रखरखाव रखते हैं कि ये 30-30, 35-35 लीटर आमतौर पर दे रही हैं। तो हो सकता है कि मैं आपको, आपके सामने एक फीड कंपनी वाला है उसको भी लेके आऊँ, सारी बातें करेंगे बैठ के उस दिन। धन्यवाद।